सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो यही प्रश्न है आज हमारा कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्या है। आइए देखें सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। यह एक ट्रेंड के दरमियान बनता है, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दरमियान बनता है, लेकिन साइडवे मूव के दरमियान यह नहीं बनता है। आइए अब हम एक उदाहरण देखें अप ट्रेंड के दरमियान यह कैसे बनता है। देखिए यह एक अप ट्रेंड चला जा रहा है और एक पॉइंट पे आकर जिसे हम पिक कहते हैं यह रुक जाता है और फिर वहाँ से एक रिवर्सल देता है और एक दूसरा नीचे बॉटम बनाता है जिसे हम ट्रफ भी कह सकते हैं। तो यह ट्रफ हुआ, फिर यहाँ से ऊपर जाता है और दूसरा पिक बनाता है, नीचे जाता है और फिर बॉटम या ट्रफ बनाता है, फिर ऊपर जाता है, पीक या ट्रफ बनाता है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक यह कंसोलिडेशन पूरा नहीं हो जाता। इस दरमियान जो यह पीक बनते हैं, यह हर अगला पीक पिछले पीक से नीचे होता है, यानी यह लोअर हाई बनाता है। इसी तरीके से जो ट्रफ्स बनते हैं, बॉटम बनते हैं, अगला पीक, अगला बॉटम पिछले बॉटम से ऊपर होता है, यानी यह हायर लोज बनाते हुए चला जाता है। जब इस पीक को हम जोड़ते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है जिसे रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। उसी तरीके से जब हम सब ट्रफ्स को, ये एक दो तीन ट्रफ को जोड़ते हैं तो एक दूसरी लाइन बनती है, ट्रेंड लाइन बनती है, जिसे हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। जब यह दोनों ट्रेंड लाइन इस तरीके से एक दूसरे के पास कन्वर्ज होती है, यानी एक दूसरे के इस तरीके से नज़ीक आती है कि यह एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती हैं, ऑल्सो नोन एज कंसोलिडेशन, यानी इस पूरी प्रक्रिया को हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इसे कंसोलिडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइस एक जगह में जाकर रुक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है और नीचे भी यह इस प्राइस के जो पुराना पॉइंट है उससे नीचे न जाकर रिवर्सल नहीं देता है। इसलिए एक इंडिसिजिव फेस को का निर्माण करता है जिसमें हमें यह पता नहीं चल पाता कि यह ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जब तक इस प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता, जहाँ से यह एक अब फिर से अप ट्रेंड देना शुरू कर देता है। तो इस प्रक्रिया का अंत कब होता है? मान लो यह अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में प्रक्रिया का अंत जब सब के सब बेचने वाले या सेलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसी तरीके से मान लो यदि कोई ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस प्रक्रिया के दरमियान यह बनता है, तो उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड ही होगा और कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड उस जगह में नक्की होगा जहाँ पर सब के सब लेने वाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आइए देखें सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसे हम बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम बीरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक चार्ट पैटर्न है कंसोलिडेशन फेस, जो कि अप ट्रेंड में हो रहा है, अप ट्रेंड में बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड है और यह एक कंसोलिडेशन या सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के रूप में बनाया, उसके बाद फिर यह उस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। उसी तरीके से यह कंसोलिडेशन प्रक्रिया या सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की डाउन ट्रेंड में भी बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक डाउन ट्रेंड है और फिर ये एक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बनी है और फिर वही ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद फिर वही
मंदी की प्रक्रिया आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो वही चीज हम बताना चाह रहे हैं यहाँ, देखिए कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस आफ्टर द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन फेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूस आफ्टर द एंड ऑफ कंसोलिडेशन। प्रश्न है कि क्या हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को अन्य किसी नाम से बुला सकते हैं? तो उसके और जो तीन नाम उसे दिए गए हैं सिनोनिम्स जिसे कहते हैं, पहला है कॉयल, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग वेज और तीसरा है फनल। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि यह कॉयल के रूप में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग वेज वेज ही है लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग वेज के स्वरूप में यह बन रहा है, और तीसरा जो है इसका जो है फनल के समान इसका पिक्चर दिखता है, इसलिए इसे फनल भी हम कह सकते हैं। आइए देखें दोस्तों के सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है, यानी कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्रिएशन ऑफ ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। आइए देखें दोस्तों क्या क्या कंडीशंस इसके सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बनने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रेंड, मतलब अप या डाउन ट्रेंड के दरमियान ये बन सकता है, हालांकि साइडवे को भी ट्रेंड बोलते हैं लेकिन उसमें यह नहीं बनता है। तो जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड के दरमियान यह बनता है या फिर डाउन ट्रेंड के दरमियान बनता है, देख सकते हैं, और उसका आउटकम भी वही होता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था उसी को कंटिन्यू करता है, वैसे यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड को वह कंटिन्यू करता है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के दरमियान बनता है, लेकिन साइडवे जो ट्रेंड चलता है, साइडवे ट्रेंड जिसे बोलते हैं, इस दरमियान यह नहीं बनता है। फ्रेंड्स, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लिए दूसरी कंडीशन वो है नंबर ऑफ हाईज एंड लोज, जिसमें एटलीस्ट टू हायर लोज और टू लोअर हाईज का होना बहुत जरूरी है। आइए पिक्चर के द्वारा इसे हम देखें। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ पिक्चर है जिसमें आप ट्रेंड लाइंस देख सकते हैं, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दूसरी ट्रेंड लाइन, ये है पिक्स और ये है ट्रफ्स। अब इस तरीके से आप नंबर देखें तो दो हायर लोज, तो ये जो है लो जो हायर है तो कम से कम दो का हायर लोज यानी ट्रफ्स का होना जरूरी है, तीसरा हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरीके से दो लोअर हाई यानी ये लो हाई है जो लोअर जाते जा रहे हैं, तो ऐसा दो का होना जरूरी है, तीसरा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज सिमेट्रिसिटी ऑफ द ट्रायंगल इज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। तो देखिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन द अपटर्न बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अपटर्न जा रहा है, ये कंसोलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और फिर ये अपटर्न उसको कंटिन्यू किया। अब इसे सिमेट्रिकल है कैसे कर सकते हैं, उसको देखने के लिए जरूरी है कि हम एक बेस लाइन देखें, बेस लाइन खींचे इन द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल फ्रॉम द एपेक्स टू दिस साइड, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस जो है बेस लाइन से ट्रेंड लाइंस का, जो कि रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उन दोनों का डिस्टेंस जब जो लें सेंटर में से तो वो बराबर होना चाहिए। इस तरीके से देखिए हर जगह, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से कन्वर्ज होती है एक दूसरे की तरफ या स्लोप बनाती है एक दूसरे की तरफ, कि ये सेंटर से जो लाइन खींची जाती है उनसे उनका डिस्टेंस सेम हो जाता है, और इस तरीके से इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो ये बेस लाइन। दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के लिए जो चौथी कंडीशन है वो है उसका ड्यूरेशन या समय, उसमें कितना लगता है ये देखा जाता है। यूजुअली इसमें कहा जाता है कि 3 वीक से कई महीने तक लग सकते हैं, लेकिन यदि यह 3 वीक से या 3 सप्ताह से कम है तो इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल ना कहकर हम इसे पेनांट पैटर्न कहते हैं। देखिए यह पिक्चर है जिसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है और जिसका समय आप नीचे देख सकते हैं कितना लगा है, 30 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक का समय में यह बना है, जो कि लगभग 8 वीक का समय ले चुका है, तो इसलिए ये इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हैं। आइए देखें कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है।
As the symmetrical triangle extends, the trading range contracts, volume should start to diminish. यानी कि जब सिमेट्रिकल ट्राइंगल के दोनों ट्रेंड लाइंस कन्वर्ज एक दूसरे की तरफ होती है और नज़ीक पहुंचती है, वैसे वैसे शेयर के वॉल्यूम, जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, वो उसमें कमी आने लगती है, वो घटने लगते हैं। दिस रिफर्स टू द क्वाइट बिफोर द स्टॉर्म और टाइटनिंग कंसोलिडेशन बिफोर द ब्रेकआउट। यानी कि ये एक एक तूफान के आने के पहले की शांति का अंदेशा हमें देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है स्टॉक ने बनाया है, और नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि जब ये ऊपर की ट्रेंड लाइन और नीचे की ट्रेंड लाइन कन्वर्ज होती है, जैसे जैसे नज़दीक पहुंचती है, वैसे वैसे देखिए वॉल्यूम जो है ये कॉन्टैक्ट हुए जा रहे हैं, तो ये वो रिडक्शन इन द वॉल्यूम बताता है। और उसके बाद फिर से जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम फिर से स्पर्ट आ जाता है, तो किसी तूफान के आने के पहले की शांति को बताता है। ये एक अप ट्रेंड में चार्ट चला जा रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद उसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये जो निशान बताया है वो उसके अंदर हम देख सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। तो इस तरीके से रिडक्शन इन वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट देखा जा सकता है।